कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, एंड द चैप्टर इज मॉडर्न डेमोक्रेसी। वी विल कम टू द टर्म डेमोक्रेसी, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट, ओके, एंड व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हम लोग डेमोक्रेसी पे आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, एंड व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट। तो वी कैन डिफाइन द गवर्नमेंट दैट इट इज अ बॉडी और इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स और रूल्स अ पर्टिकुलर एरिया, जो शासन करे किसी एरिया पे। ठीक है, और एक बॉडी है, बॉडी दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल, और इंस्टीट्यूशन जो किसी एरिया को रूल करता है, गवर्न करता है। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल। कैन यू इमेजिन अ फैमिली विदाउट हैविंग अ हेड? द आंसर इज नो। अ फैमिली नीड्स अ हेड हु इंस्ट्रक्ट्स और डायरेक्ट्स ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। सिमिलरली वी कैन नॉट इमेजिन अ कंट्री विदाउट गवर्नमेंट। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? बिना गवर्नमेंट के हम लोग किसी भी राज्य या देश की कल्पना नहीं कर सकते जो प्रॉपरली चले, रन हो। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। वी नीड अ गवर्नमेंट टू रन अ स्टेट और कंट्री प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। प्रॉपरली का मतलब क्या होगा? प्रॉपर वे में रन हो, कोई किसी को बिना रीजन के कुछ भी ना बोले ना कहे, एक कॉमन पॉलिसी हो, कॉमन रूल हो जो सभी को फॉलो करना होता है। ठीक है, और इस रूल को बनाया कौन, कॉमन पॉलिसी लाया कौन? इमेजिन कीजिए अगर सबको बोल दिया जाए कि हाँ जिसको जो मन में आए वो करे, तो कैसा एनार्की टाइप का सिचुएशन बन जाएगा। तो एक कॉमन पॉलिसी, कॉमन रूल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसके वजह से हम लोग बिना गवर्नमेंट के इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कंट्री या स्टेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? मैंने बताया कि कॉमन पॉलिसी चाहिए, कॉमन रूल चाहिए जो सारे सिटीजन पे बाइंडिंग हो। अब यही से आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की यही काम है टू मेक रूल्स, टू एग्जीक्यूट रूल्स, एंड टू पनिश दोज हु वायलेट द रूल्स। इसके एक्स्ट्रा भी कुछ और काम है, जैसे कि टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सिटीजन्स। समझ लो, तो ये सब भी वर्क्स है, लेकिन बेसिक रूल क्या है? टू मेक पॉलिसी और रूल्स, टू एग्जीक्यूट दैट पॉलिसी और रूल, एंड पनिश दोज हु वायलेट द रूल्स। ये तीन बेसिक फंक्शन है। और उसके आगे वही बाह्य आक्रमण से बचाना, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारे गवर्नमेंट के फंक्शन है। ठीक है, और एक कंट्री लेवल के फंक्शन होगा, कंट्री लेवल पे हुआ, स्टेट लेवल पे हुआ, लेकिन इंडिविजुअली, इंडिविजुअली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी लाए जो हमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी दे अमंग सिटीजंस, सब लोग इक्वल फील करें। अब सोशल क्या है, सोशल इक्वालिटी क्या है? एनी वन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। एंड पोलिटिकल इक्वलिटी क्या है? पोलिटिकल इक्वलिटी एवरी वन हैज अ राइट टू फाइट इलेक्शन, टू वोट इलेक्शन, एंड बी अ पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी एक्सेट्रा। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है? तो हम लोगों ने क्या देखा, वी नीड सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, और पोलिटिकल समझते हैं। पोलिटिकल इक्वलिटी क्या है? व्हाट इज पोलिटिकल इक्वलिटी? Everyone, each and everyone has right to vote. हम लोग को वोट करने का अधिकार है। कब?
only those citizens who are above 18 years of age. That is called as universal adult franchise, irrespective of their religion, irrespective of their caste, gender. Okay, सबको right है. और इसे क्या बोलते हैं इसे? Universal adult franchise. समझ रहे हो? अब इकोनॉमी का इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी वी कैन से दैट कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट के नहीं किया जाएगा सोसाइटी में इस वजह से कि वो पुअर है और वो रिच है. समझ रहे हो? इस वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. अब ये कहीं पर टेम्पल या मॉस्क या क्लासरूम में इस वजह से किसी को अलग थलग नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है और अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है ऑन इकोनॉमिक लाइंस. समझ रहे हो? तीनों चीजों को समझ में आया? अच्छे समझ लिया आपको? ठीक है. और हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? कंट्री लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी. तो गवर्नमेंट यही करता है, इन सबके रिगार्डिंग ऐसा कॉमन रूल या पॉलिसी लाता है जो सारे सिटीजन पे बाइंडिंग हो. समझ आपको? फॉरेन पॉलिसी लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार लाना है, एजुकेशन हेल्थ को कैसे ठीक करना है, ठीक है, कैसे प्रमोट करना है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग द सिटीजंस, इन सब के रिगार्डिंग कॉमन पॉलिसी और रूल्स लाता है. और फैमिली में हम लोगों ने क्या सीखा? डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है या फिर डायरेक्ट कर दिया, हाँ सबको ये करना है, व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू एंटर द हाउस, व्हेन टू गो आउटसाइड द हाउस. तो वहां तो ये हो गया कि नहीं चलो रिटेन नहीं है क्योंकि स्मॉल यूनिट फैमिली क्या है, स्मॉल यूनिट है. लेकिन बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारी चीजों को हैंडल किया जाता है, ठीक है. और यही गवर्नमेंट का फंक्शन है इंडिविजुअल लेवल पे भी और एज अ कंट्री लेवल पे. तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है और अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टाइप है, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज मोनार्की and second one is dictatorship and third one is democracy. अब monarchy क्या है? इसका हिंदी meaning होता है राजतंत्र, जिसमें राजा होगा, ठीक है. dictatorship क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? तानाशाह, तानाशाही. dictatorship का हिंदी क्या होता है? तानाशाही. and third one is democracy, इसका हिंदी होता है लोकतंत्र. look at the term लोकतंत्र, लोक people, ठीक है. ये सारा गेम इसमें खेल पीपल पे ही इन्वॉल्व होता है, इसी को हम देखेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस मोनार्की. मोनार्की टू टाइप्स के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. अब एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है? रूलर हैज एब्सोल्यूट पावर, जो मन में आएगा वो करेगा, पॉलिसी बनाएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो हार्श है या नॉर्मल है उससे उसे कोई मतलब. हालांकि पॉलिटिकल एडवाइजर होते थे लेकिन बस एडवाइस लेता था, वो एडवाइस उस पर बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है. तो रूलर हैज एब्सोल्यूट पावर, इसमें क्या होता था? एब्सोल्यूट पावर होता था, मतलब सारा पावर रूलर के पास ही है, वही डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है. एब्सोल्यूट पावर, ठीक है. तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तब लोगों ने स्ट्रगल किया, थोड़ा सा हिस्ट्री में आ जाते हैं, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ऐसा होता क्यों था एंशियंट टाइम में. अब एब्सोल्यूट पावर होता था, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, यहाँ पॉलिसी भी किंग ही बनाया, किंग ही उसको रेगुलेट, किंग ही उसको रेगुलेट करे, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगा. तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, ये था एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसा कि आप लोग बता चुके हैं पहले ही. और ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब इसने क्या, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बना लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन किया गया कि वो रॉयल फैमिली एंड अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करे. फार्मर्स लेबरर्स अब भी डिससेटिस्फाइड थे, तब भी थे और अब भी थे. और एक चीज, इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं बोला कि हम लोग ही डिसाइड करें कौन किंग होगा. इसमें जो किंग्स के हायर्स होते थे, उत्तराधिकारी सक्सेसर होते, वही फिर किंग बन जाते थे. तो लोगों को यही सिस्टम अच्छा नहीं लगा, ठीक है. तो ये एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट मोनार्की और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर भी ये कॉमन रूल ऐसा नहीं बना जहां
बेनिफिट मिले, सबको लाभ मिले इससे, ठीक है। तो ये भी सिस्टम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब हम लोग डिक्टेटरशिप में आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बारे बारे से डिस्कस कर लिया है एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दोनों के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या लैकुनास था दोनों में, ये सारा चीज डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं डिक्टेटरशिप, और यहां से देखिए आपको रिलेट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी लोग डिससेटिस्फाइड थे, और क्या था कि हाँ रूलर का जो समूगा वही रूलर नहीं बनेगा। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा सुपर 30, उसमें क्या बोला है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके योग्य होगा। यही कंसेप्ट उस समय भी लोगों के माइंड में था, जो हम लोग यही डिसाइड करेंगे कि हमारा किंग कौन होगा, ठीक है। तो उस तरह से लोग ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाया, स्ट्रगल उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी इस हिसाब से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो लोगों ने क्या किया, अब डिफेंस मिनिस्टर जो थे या फिर मिलिट्री का जो हेड था एट दैट टाइम, तो उन लोगों से लोगों ने कॉन्टेक्ट करना शुरू किया कि हम चलिए किंग को ओवरथ्रो कर देते हैं, सत्ता से हटा देते हैं, शासन से हटा देते हैं और आप बनिए, ठीक है। तो वहीं से आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, चीजों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो हेड ऑफ द मिलिट्री और डिफेंस मिनिस्टर जो होता था वो फिर कॉन्टेक्ट कर रहा, लोगों से मिलने लगा, लोगों को अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा कर सकता है शासन में आने के बाद, तो लोगों ने सपोर्ट किया उस चीज को। जैसा कि आप लोग 1999 में क्या हुआ था, जो परवेज मुशर्रफ का ओवरथ्रो कर दिया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूल था उसको, और फिर अपने फिर राजा बन गया, हालांकि बाद में 2005 में उसको ये किया गया फिर, लेकिन शुरू में क्या हुआ लोगों को अच्छा लगने लगा, हाँ यही ठीक बोल रहा है, और लोग सपोर्ट किए ओवरथ्रो करने में, और फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुआ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई पोलिटिकल एडवाइजर नहीं, जो तानाशाह चाहेगा वो करेगा। आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे नाजीजम, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर क्या था तानाशाह, लोगों को इस तरह फेवर में कर लेता था ना वो, कि लोग फैन हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे उस चीज को, क्या यही सही बोल रहा है। लेकिन जब व्हेन दे केम टू पावर दे स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग देयर ओन रूल, ठीक है, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन रूल, जो हाफ होता था, बहुत ही हाफ होता था, लोगों को बहुत ही परेशान किया जाता था, ठीक है। तब क्या होगा लास्ट में कि इन सबसे भी लोग परेशान हो गए, डिक्टेटरशिप भी अच्छा नहीं लगा, शासन मिलने के बाद फिर वो फेवर में काम कर नहीं रहा था, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और अपर सेक्शन दोनों को फिर कुछ नहीं समझ पा रहा था, और अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल करने लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तब लोगों ने इस चीज को भी रिजेक्ट किया और सोचा कि हाँ अब हम कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे इस चीज को कि हाँ एक रूल्स बनाया जाए ऐसा कि किंग जो होगा उसको डर हो कि हाँ हम हट भी सकते हैं शासन से। तभी आया एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का कंसेप्ट कि हाँ रेगुलर वे में इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, ताकि ये डर लगा रहे हैं हमें कि हाँ अगर हमने कुछ गलत किया तो लोग हटा भी सकते हैं, रेगुलर वे में इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। यही से कंसेप्ट आता है डेमोक्रेसी का, अब इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, यही से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट एंड द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोगों ने दो फॉर्म्स को देख लिया, दो टाइप्स को देख लिया, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। इसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट मोनार्की देख लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देख लिया, और कैसे दोनों से लोग डिससेटिस्फाइड थे इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने डिक्टेटरशिप को भी समझ लिया और उसमें कैसे मिलिट्री अपना पावर एस्टेब्लिश की, लोगों के साथ मिलकर ये चीज को हम लोग समझ लिया। अब थर्ड फॉर्म है डेमोक्रेसी, विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एनफ फॉर टुडे।